मोशन ऑफ अ बॉडी थ्रू अ टनल। फिर से एक और टनल, लेकिन अब ये टनल नॉट पासिंग, नॉट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ अर्थ। इस बार टनल है वो सेंटर ऑफ अर्थ से पास नहीं हो रही। अगर उसमें किसी बॉडी को डाल दिया जाए तो उसका मोशन क्या होगा, कैसे होगा? ठीक है, समझते हैं, इसे सिंपल है। फिर से मैं बना रहा हूं सर्किल, इस बार टनल आपकी सेंटर ऑफ अर्थ से पास नहीं है, कहीं और से टनल जा रही है। ये टनल हो गई, ये आपकी अर्थ सरफेस, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, सब कुछ वही निकल कर आना है, थोड़ा सा डिफरेंस। दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, ये सेंटर ऑफ अर्थ लिया मैंने, ये टनल है। इस टनल में ये मैंने दो पॉइंट बनाए, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है आपका ओ, और ये सेंटर सेंटर है, एग्जैक्टली इसके अपोजिट होगा सेंटर, यहाँ सेंटर है, करेक्ट। किसी इंस्टेंट पर बॉडी की पोजीशन यहाँ है पॉइंट पी पर, दिस इज पॉइंट पी। तो अब पॉइंट पी पर जो बॉडी पर लगने वाली फोर्स है, इट इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। फोर्स तो हमेशा सेंटर ऑफ अर्थ के तरफ को ही लगेगी। दिस इज द फोर्स, दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, कितनी होगी? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है कितना, एम जी डैश, क्योंकि एम जी नहीं ले सकते, सरफेस पर नहीं है। अभी हम सरफेस से कितनी गहराई पर हैं, फिर वही बात कि हम सरफेस से कितनी गहराई पर हैं, डी डेप्थ पर है, और अभी इस मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस पर है, इस मीन पोजीशन से वाई डिस्टेंस पर है, छोटा पड़ जाती है फिगर में भी, ये डिस्टेंस आपका वाई है, मीन पोजीशन से वाई डिस्टेंस पर है बॉडी, और अर्थ सरफेस से डी डेप्थ पर है। तो यहाँ मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ यहाँ से मिला करके, कौन सा ट्राइंगल, ओ पी सी या पी सी ओ, पी सी ओ, पी सी ओ ट्राइंगल एक बन जाएगा, ठीक है, पीसीओ ट्राइंगल ये पूरा का पूरा बन गया। लगभग लगभग वैसे ही है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस और आ जाने वाला है, ये छोटा सा डिफरेंस है, निकल करके सब कुछ वही का वही आना है। अब ये जो फोर्स है एम जी डैश, ये पूरी की पूरी फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स की तरह से काम नहीं कर रही। इस फोर्स का एक कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट है जो सर्किल ओ की तरफ काम करेगा। मैं दूसरा कंपोनेंट बना नहीं रहा क्योंकि हमें उसका यूज नहीं है, और ये पूरा एंगल हो गया कि आपका थीटा। तो आप सबको पता है कि ये जो फोर्स है, यहाँ फोर्स जो ओ से पी से ओ की तरफ मैंने ड्रॉ की है, फ्रॉम पी टू ओ, ये फोर्स कितनी होगी, दिस इज द कॉस कंपोनेंट ऑफ एम जी डैश। तो यहाँ आपका जो रिस्टोरिंग फोर्स है, वो रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा है, रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स माइनस एम जी डैश कॉस थीटा, एम जी डैश कॉस थीटा, कॉस थीटा से करा ये मैंने, साइन थीटा से करा, कॉस थीटा से ठीक है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। रिस्टोरिंग फोर्स एफ, थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लें, माइनस एम जी, जी जी की वैल्यू कितनी है, एफ इक्वल्स माइनस एम और जी की वैल्यू 1 माइनस पी बाय आर ई, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, देखो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है आपका, बेस है यहाँ आपका वाई, और ये जो हाइपोटेन्यूस है इसका पी सी, पी सी है पूरा आर ई माइनस बी, पी सी है कितना, आर ई माइनस डेप्थ बी, मेरे ख्याल से सबको क्लियर है बाकी, ये पी से लेकर सी तक, यहाँ सरफेस से लेकर सी तक तो है आर ई, और आर ई में से डेप्थ डी मैंने सबट्रैक्ट कर दी, तो पी सी
ये पीसी कितना बचा, पीसी बचा आपका वाई बेस और अपॉन हाइपोटेनस आर ई माइनस डी, करेक्ट। तो यहाँ से फिर वही निकल कर आना, माइनस एम जी आर ई माइनस डी बाय आर ई इंटू वाई अपॉन आर ई माइनस डी, करेक्ट। तो एफ इक्वल्स क्या बन गया, माइनस एम जी वाई बाय आर ई। एक्सिलेशन फिर वही सारी की सारी वही कहानी, एक्सिलेशन ए कितना हुआ, फोर्स अपॉन मास ऑफ बॉडी यानी माइनस जी वाई बाय आर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम वही लिखेंगे जो पुरानी स्क्रिप्ट लिखते हुए चले जा रहे हैं, क्या एक थराना एक एक थिराजा एक थिरानी और खत्म कहानी। तो हेंस एक्सिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस वाई, क्यों, क्योंकि जी एंड आर आर कॉन्स्टेंट। जैसे ही एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई आया तो क्या कहेंगे हम, मोशन ऑफ बॉडी इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया प्रूव, तो हमारे पास रेडीमेड सिंपल हार्मोनिक मोशन हैगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक्सीलरेशन हैगा रेडीमेड हमारे पास, क्या इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सीलरेशन कितना है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सीलरेशन मैथमेटिकली था, और ये वो एक्सीलरेशन है जो अब हमारी बॉडी का बनने वाला है। तो दोनों को इक्वल क्यों ना कर दें, बिल्कुल कर देंगे, ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस जी वाई बाय आर ई, और यहाँ वाई से वाई कैंसिल होकर आपके क्या बन जाता है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल जी बाय आर ई। और सारी कहानी करने के बाद, सारी कहानी करने के बाद अल्टीमेटली टाइम पीरियड कितना निकल कर आएगा, वही निकल कर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ टू पाई अंडर रूट आर ई बाय जी, जो पहले आ रहा था वही का वही निकल कर आया अब भी टाइम पीरियड। और सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद भी क्या आता है, 84.6 मिनट ही निकल कर आएगा। ये 84.6 मिनट भी वही है, सीधा मतलब यह है कि आप टनल पूरी की पूरी पूरे अर्थ के सेंटर से पास होते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे पे निकाल लो तो भी 84.6 मिनट का ही टाइम पीरियड आ रहा है, और टनल आपने दिल्ली से लेकर के कलकत्ता तक निकाल ली तो भी 84.6 मिनट तक ही ये एक्सपीरियंस टाइम पीरियड आएगा। डिपेंड नहीं करता कि टनल कहाँ है, डिपेंड नहीं करता कि आपकी बॉडी का मास कितना है,